सनातन धर्म में एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। हम सब गीता का पाठ करते हैं। कुछ लोग गीता के श्लोकों को कंठस्थ भी करते हैं। क्या है गीता जयंती का महत्व, आइए जानते हैं। मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कुरुक्षेत्र, जो अभी हरियाणा प्रदेश में स्थित है, के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। पहली बार भगवद गीता श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई थी। उसी दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि सनातन धर्म में इस पुस्तक के उपदेशों को जीवंत स्वरूप माना गया है। गीता के उपदेश आज भी और आगे भी रहेंगे, इसलिए गीता को जीवित मानकर उसकी जयंती मनाई जाती है। वैसे तो कुछ लोग नियमित रूप से गीता का पाठ करते हैं, लेकिन गीता जयंती के दिन गीता पाठ करने से मोक्ष, मुक्ति और शांति का वरदान मिलता है। गीता पाठ करने से आपको अपने जीवन में आ रही समस्याओं का हल मिलता है। जीवन की ज्ञात अज्ञात परेशानियों से मुक्ति मिलती है। गीता पाठ करने से जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। इस बार गीता जयंती 3 दिसंबर 2022 वार शनिवार को मनाई जाएगी। इस बार गीता की ये 5159वीं वर्षगांठ होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश ज्ञान देकर अर्जुन को सांसारिक मोह से मुक्ति दिलवाई थी और सही गलत का अंतर समझाया था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही परिवार कुटुंबियों से युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। गीता को उपनिषद का निचोड़ माना जाता है। उपनिषदों को गौ यानी कि गाय और गीता को उसका दुग्ध दूध माना गया है। गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। गीता हमें अपने कर्म करने का उपदेश देती है। गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी यानी कि गीता जयंती के दिन दान देने का फल अनंत मात्रा में प्राप्त होता है। गीता जयंती पर पूजा कैसे करें? पूजा के स्थान को गंगाजल से पवित्र कर एक चौकी या लकड़ी का पाटा बिछाकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। उस पर भगवान श्री कृष्ण की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। लाल या पीले कपड़े में गीता की नई पुस्तक लेकर उसे भी पूजा स्थान पर स्थापित करें। फिर कुमकुम, अक्षत, चंदन से पूजा करें। फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। फिर श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और गीता का पाठ करें। संभव हो तो पूरी भगवद गीता का पाठ करें। ऐसा ना कर सके तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। अध्याय पाठ समाप्ति के बाद गीता माता की आरती उतारें और प्रसाद बांटें और स्वयं भी खाएं। पूजा अर्चना के बाद अपनी जो भी मनोकामना हो उसे पूरा करने की प्रार्थना करें। जो लोग मोक्ष मुक्ति चाहते हों, भगवान की भक्ति चाहते हों, वे भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, उन्हें अवश्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।